हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए बड़ी बड़ी जो है बेनिफिट की खबर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारियों और पेंशनर्स की हर साल अब 1.5% यानी कि 1.5% पेंशन में बढ़ोतरी होगी। सभी अटकलें दूर होने जा रही हैं और ऐसा तोहफा आपको कभी नहीं मिला है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें पेंशन में बढ़ोतरी हुई हो, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई है या जो सर्विंग एम्प्लॉयज हैं, उन सबको वेतन में, उनकी सैलरी में 3% बेसिक में बढ़ोतरी होती है, लेकिन पेंशन की किसी भी टाइप की, पेंशनर्स की किसी भी टाइप की पेंशन में बेसिक में बढ़ोतरी नहीं होती है। एटलीस्ट 80 इयर्स की एज तक, 80 इयर्स के बाद में, 100 इयर्स के बाद में जो 7th CPC के रिकमेंडेशन हैं वो तो उसमें लागू किए ही जाते हैं, लेकिन जो पेंशनर्स हैं सबसे ज़्यादा वो 60 इयर्स से लेकर 79 इयर्स के बीच में, और उन्हीं की हमेशा से रिक्वेस्ट चाहिए या बोल लीजिए डिमांड रही है कि बेसिक पेंशन में एटलीस्ट 1% की, या कई बार प्रपोजल दिए गए हैं कि 5-5% की बेसिक एक ब्लॉक में 5-5% की बढ़ोतरी की जाए। तो ऐसे बहुत सारे प्रपोजल्स गवर्नमेंट को भेजे गए हैं, जिनमें अब सबसे अच्छा प्रपोजल निकल कर आया है कि हर पेंशनर्स की बेसिक पेंशन में एटलीस्ट 1.5% की पेंशन में बढ़ोतरी की जाए। क्या है पूरा मामला डिटेल में जानेंगे, क्या अपडेट्स आ रही हैं, सारी वीडियो को हम डिटेल में जानेंगे। पूरे वीडियो को इसलिए लास्ट तक देखिएगा, और अगर चैनल पर अभी तक आपने हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके। साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए घंटे के निशान को यानी कि बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलेगा, तभी आपके पास हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। जल्दी से आपको हमारे चैनल के रिगार्डिंग एक अपडेट देते हैं। आप हमारे चैनल पर पेंशन, फैमिली पेंशन और कर्मचारियों के पेंशनरी बेनिफिट से रिलेटेड जो भी आपको डाउट है वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम लेकर आएंगे और आपको जो भी समस्या होगी उसको दूर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। चलिए जल्दी से आपको पूरे डिटेल्स में समझा देते हैं क्या है पूरा मैटर और क्या हो सकती है। या दोस्तों, ओआरओपी पर भी बड़ी खुशखबरी है। ओआरओपी के तहत हर साल पेंशन में 1.5% की बढ़ोतरी हो सकती है। उसमें भी कई चीजों में बढ़ोतरी होगी, जिसमें कई सारी चीजों पर बात होगा। अब आप देख सकते हैं, जी हाँ दोस्तों, अब हर साल बढ़ेगी आपकी 1.5% पेंशन। 5 साल का जो है झंझट खत्म होगा और भेदभाव आपका पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के खत्म होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वेतन और पेंशन के बीच असमानता की समस्या अब अधिक गंभीर होती जा रही है। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में सेवारत कर्मचारियों को हर वर्ष 3% की वेतन वृद्धि मिलती है, जबकि पेंशन भोगियों को इस तरह की कोई भी वृद्धि का लाभ नहीं मिलता है। इस असमानता के कारण वन रैंक वन पेंशन, ओआरओपी जिसे बोलते हैं, के सिद्धांत के तहत पेंशन भोगियों को अब उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, ओआरओपी के तहत जो है आपकी पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है, और इसके अलावा एक और प्रपोजल है जिसमें नॉर्मल जो पेंशनर्स हैं उनमें, उनकी पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी, उससे रिलेटेड भी यहाँ पर बात हम करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं ओआरओपी की। वन रैंक वन पेंशन का मुख्य उद्देश्य यह है कि एक ही रैंक में सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समान पेंशन प्राप्त होनी चाहिए, चाहे वह किसी भी समय में सेवानिवृत्त हुए हो। इसका मतलब है यदि सेवारत कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होती रहे तो उसी रैंक के पेंशन भोगियों की पेंशन भी बढ़नी चाहिए। अब इसके समाधान के क्या प्रस्ताव दिए गए थे वो भी हम यहाँ पर देख लेंगे थोड़ा सा। इस समस्या का समाधान यह है कि सेवारत कर्मचारियों को मिलने वाली 3% वार्षिक वृद्धि के आधार पर पेंशन भोगियों को भी उनकी बुनियादी पेंशन में यानी बेसिक पेंशन में 1.5% की वार्षिक वृद्धि प्रदान की जानी चाहिए। यह जो इंक्रीमेंट है या वृद्धि है बेसिक वेतन के 50% के बराबर होनी चाहिए, जो पेंशन भोगियों के उनके सेवा काल के दौरान प्राप्त होता था। अब इस समाधान के क्या क्या फायदे होंगे वो भी हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। अगर ये प्रस्ताव वाकई में लागू होता है तो पेंशन भोगियों को हर 5 साल में पेंशन संशोधन की आवश्यकता सबसे पहले नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर 5 साल में संशोधन की मतलब, रिवीजन की मतलब क्या है कि जैसे 60 साल से 65 साल के बीच में जो 5% की बढ़ोतरी की बात की जा रही थी वो 65 से 70, 70 से 75 और 75 से 80, 79 ईयर्स के बीच में जो 5-5% की पेंशन भोगियों की बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी की बात की जा रही थी उसकी अब जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर ये प्रस्ताव लागू हो जाता है तो हर साल आपकी पेंशन में, बेसिक पेंशन में 0.5% की यानी 1.5% की सीधी सीधी बढ़ोतरी होगी, जिसका यानी कि 5 साल में आपको 7.5% तक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो ये एक अच्छा प्रपोजल गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है।
गवर्नमेंट को दिया जा रहा है। आगे कि आपकी जो एग्जिस्टिंग और जो सुपर एनुएशन के कर्मचारी हैं, यानी कि जो एग्जिस्टिंग और रिटायरमेंट के बीच में जो है उनके बीच एक असमानता कम हो सकती है और पेंशन बढ़ाने की जो प्रक्रिया बहुत ज्यादा सरल हो सकती है, इसमें प्रशासनिक बोझ भी कम हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा प्रपोजल गवर्नमेंट को दिया जाएगा। अब आगे हो सकता हो दिया भी जा चुका हो। इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, यानी इसका आउटकम क्या होगा कि पेंशन भोगियों की बेसिक पेंशन में 1.5% तक की वार्षिक वृद्धि का यह प्रस्ताव न केवल ओआरओपी की भावना को बनाए रखेगा बल्कि उन्हें वित्तीय सुरक्षा यानी फाइनेंशियल जो सिक्योरिटी वो भी प्रदान करेगा। सरकार को इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और पेंशन भोगियों को समान और जो लाभ प्रदान करने वाली दिशा में कदम उठाने चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा प्रपोजल है सभी पेंशनर्स के लिए। आप हम सबसे बड़ी बात कमेंट करके बताइएगा कि 1.5% का जो प्रपोजल है वो क्या गवर्नमेंट को दिया जाना चाहिए या इसमें और भी कुछ रिविजन या अपडेशन किए जाने चाहिए। अब बात करते हैं नॉर्मल पेंशनर्स की। तो नॉर्मल पेंशनर्स के लिए कि इसमें क्या हो सकता है या ये प्रपोजल है इसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ऐसे पेंशनर्स की जो 60 साल से 65 साल के बीच में है, यानी सबसे ज्यादा जो न्यूमरस संख्या है, यानी सबसे ज्यादा जो संख्या है पेंशनर्स की वो 60 से 70 ईयर्स के बीच में ही है। अब ऐसे पेंशनर्स ये चाहते हैं कि उनकी बेसिक पेंशन में भी ये बढ़ोतरी हो, क्योंकि बेसिक पेंशन में उनकी बढ़ोतरी नहीं होती है। बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी 80 ईयर्स की एज पूरी करने के बाद ही होती है, जो कि आप सभी को पता है। लेकिन 60 से 70 साल के बीच के जो पेंशनर्स है वो क्या करें, तो उनको ये करना चाहिए या उनको जो प्रपोजल गवर्नमेंट को भेजना चाहिए या रिक्वेस्ट करनी चाहिए पेंशनर्स और एसोसिएशंस को कि उनकी बेसिक पेंशन में 1.5 की जगह शुरू में जो है 1% की भी बढ़ोतरी की जा सकती है। जैसे 70 से सबसे बड़ी बात एक प्रपोजल ये भी अच्छा रहेगा कि 60 से 70 ईयर्स के बीच में 1% की वृद्धि, और जैसे 79 ईयर्स के बीच में जाते हैं तो 1.5% की वृद्धि एक अच्छी वृद्धि मानी जाएगी। साथ ही साथ 79 के बाद आपको पता है 80 ईयर्स की एज पूरी जैसे ही होगी तो 20% की आपको वहां पर सीधी सीधी आपकी बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी। और जब आप 100 ईयर की एज पूरी कर लेते हैं तो आपको पूरी वेतन आपको पूरी पेंशन दे दी जाएगी। हालांकि बात कर रहे हैं 60 ईयर से 70 ईयर्स के बीच में, तो 60 ईयर से 70 ईयर्स के बीच में जो पेंशन है वो सबसे बेस्ट है कि एक साल की 1% की बेसिक में बढ़ोतरी की जाए। अगर ऐसा भी होता है तो 60 ईयर से 70 ईयर्स के बीच का जो ब्लॉक है 10 साल का ब्लॉक है उसमें 10% बेसिक में बढ़ोतरी हो जाएगी और ये बढ़ोतरी काफी अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि इसके बाद में जैसे ही आपकी बेसिक में अगर 1% की भी बढ़ोतरी होती है 60 से 70 ईयर्स के बीच में और फिर 70 से 80 ईयर्स के बीच में या बोल सकते हैं 79 ईयर्स के बीच में उसमें जब बढ़ोतरी होगी वो 1.5% की यानी 1.5% की बढ़ोतरी होगी तो ये काफी अच्छी बढ़ोतरी होगी। और इस बढ़ोतरी के बेसिस पे आपका DR भी बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपका DR नहीं बढ़ेगा। DR अगर बेसिक में बढ़ोतरी होती है तो DR में भी काफी हद तक फायदा मिलेगा, क्योंकि अभी आपकी जब बेसिक ही नहीं बढ़ती है तो DR जो है हर 6 मंथ में जो रिविजन होता है वही बढ़ोतरी मिलती है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज होते हैं उनकी बेसिक बढ़ोतरी होती है और उसी के बेसिस पर वहां पर जो है उनके DA भी बढ़ता जाता है, यानी महंगाई राहत महंगाई जो अलाउंसेस है महंगाई भत्ता है वो भी बढ़ता जाता है। तो अगर आपकी बेसिक में इवन 1% की भी बढ़ोतरी की जाती है तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। उसके बेसिस पे आपका DR भी हर 6 महीने में जो रिवाइज होता है वो रिविजन के साथ साथ में आपकी बेसिक पेंशन हर साल में भी बढ़ोतरी हर मंथ में आपकी बढ़ोतरी जिस हिसाब से होगा उसमें अपडेशन होता जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा प्रपोजल दिया गया है जो कि सोशल मीडिया पर कई जगह पर सर्कुलेट हो रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि 1.5% की बढ़ोतरी क्या संभव है। जी हाँ बिल्कुल संभव है, अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा होगा पेंशनर्स के लिए, कर्मचारियों के लिए, और उनकी थोड़ी सी लाइफ में बहुत सारी चीजें थोड़ी सी सुगम हो जाएंगी, बहुत सारी जो हिंड्रेंस है वो चीजें कम हो जाएंगी। तो आप हमें सबसे बड़ी बात कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से बेसिक में 1% की या 1.5% की या जो 5 साल का ब्लॉक है 5-5 साल का ब्लॉक है 5% को उसको किया जाना चाहिए। आप हमें कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और आपको आपके पेंशन बेनिफिट से रिलेटेड कोई अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में से लेकर के आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसे दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, शेयर सभी के साथ करेगा, ऐसी न्यूज इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब कर लेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए बड़ी जो है बेनिफिट की खबर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारियों और पेंशनर्स की हर साल अब 1.5% यानी कि 1.5% पेंशन में बढ़ोतरी होगी। सभी अटकलें दूर होने जा रही हैं और ऐसा तोहफा आपको कभी नहीं मिला है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें पेंशन में बढ़ोतरी हुई हो, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई है या जो सर्विंग एम्प्लॉयज हैं उन सबको वेतन में उनकी सैलरी में
3% बेसिक में बढ़ोतरी होती है, लेकिन पेंशन की किसी भी टाइप की, पेंशनर्स की किसी भी टाइप की पेंशन में बेसिक में बढ़ोतरी नहीं होती है एटलीस्ट 80 ईयर्स की एज तक। 80 ईयर्स के बाद में, 100 ईयर्स की बाद में जो 7th CPC के रिकमेंडेशंस हैं वो तो उसमें लागू किए ही जाते हैं, लेकिन जो पेंशनर्स हैं सबसे ज्यादा वो 60 ईयर्स से लेकर 79 ईयर्स के बीच में, और उन्हीं की हमेशा से रिक्वेस्ट चाहिए या बोल लीजिए डिमांड रही है कि बेसिक पेंशन में एटलीस्ट 1% की, या कई बार प्रपोजल दिए गए हैं कि 5-5% की बेसिक एक ब्लॉक में 5-5% की बढ़ोतरी की जाए। तो ऐसे बहुत सारे प्रपोजल्स गवर्नमेंट को भेजे गए हैं जिनमें अब सबसे अच्छा प्रपोजल निकल कर आया है कि हर पेंशनर्स की बेसिक पेंशन में एटलीस्ट 1.5-1.5% की पेंशन में बढ़ोतरी की जाए। क्या है पूरा मामला डिटेल में जानेंगे, क्या अपडेट्स आ रही हैं, सारी वीडियो को हम डिटेल में जानेंगे। पूरे वीडियो को इसलिए लास्ट तक देखिएगा, और अगर चैनल पर अभी तक आपने हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके। साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए घंटे के निशान को यानी कि बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलेगा, तभी आपके पास हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। जल्दी से आपको हमारे चैनल के रिगार्डिंग एक अपडेट देते हैं। आप हमारे चैनल पर पेंशन, फैमिली पेंशन और कर्मचारियों के पेंशनरी बेनिफिट से रिलेटेड जो भी आपको डाउट है वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम लेकर आएंगे और आपको जो भी समस्या होगी उसको दूर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। चलिए जल्दी से आपको पूरे डिटेल्स में समझा देते हैं क्या है पूरा मैटर और क्या हो सकती है। या दोस्तों ओआरओपी पर भी बड़ी खुशखबरी है, ओआरओपी के तहत हर साल पेंशन में 1.5% की बढ़ोतरी हो सकती है, उसमें भी कई चीजों में बढ़ोतरी होगी जिसमें कई सारी चीजों पर बात होगा। अब आप देख सकते हैं, जी हाँ दोस्तों, अब हर साल बढ़ेगी आपकी 1.5% पेंशन, 5 साल का जो है झंझट खत्म होगा और भेदभाव आपका पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के खत्म होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वेतन और पेंशन के बीच असमानता की समस्या अब अधिक गंभीर होती जा रही है। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में सेवारत कर्मचारियों को हर वर्ष 3% की वेतन वृद्धि मिलती है, जबकि पेंशन भोगियों को इस तरह की कोई भी वृद्धि का लाभ नहीं मिलता है। इस असमानता के कारण वन रैंक वन पेंशन, ओआरओपी जिसे बोलते हैं, कि सिद्धांत के तहत पेंशन भोगियों को अब उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, ओआरओपी के तहत जो है आपकी पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है, और इसके अलावा इक्वल प्रपोजल है जिसमें नॉर्मल जो पेंशनर्स हैं उनमें उनकी पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी, उससे रिलेटेड भी यहाँ पर बात हम करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं ओआरओपी की। वन रैंक वन पेंशन का मुख्य उद्देश्य यह है कि एक ही रैंक में सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समान पेंशन प्राप्त होनी चाहिए, चाहे वह किसी भी समय में सेवानिवृत्त हुए हो। इसका मतलब है यदि सेवारत कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होती रहे तो उसी रैंक के पेंशन भोगियों की पेंशन भी बढ़नी चाहिए। अब इसके समाधान के क्या प्रस्ताव दिए गए थे वो भी हम यहाँ पर देख लेंगे थोड़ा सा। इस समस्या का समाधान यह है कि सेवारत कर्मचारियों को मिलने वाली 3% वार्षिक वृद्धि के आधार पर पेंशन भोगियों को भी उनकी बुनियादी पेंशन में यानी बेसिक पेंशन में 1.5% की वार्षिक वृद्धि प्रदान की जानी चाहिए। यह जो इंक्रीमेंट है या वृद्धि है बेसिक वेतन के 50% के बराबर होनी चाहिए जो पेंशन भोगियों के उनके सेवा काल के दौरान प्राप्त होता था। अब इस समाधान के क्या क्या फायदे होंगे वो भी हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। अगर ये प्रस्ताव वाकई में लागू होता है तो पेंशन भोगियों को हर 5 साल में पेंशन संशोधन की आवश्यकता सबसे पहले नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर 5 साल में संशोधन की मतलब रिवीजन की मतलब क्या है कि जैसे 60 साल से 65 साल के बीच में जो 5% की बढ़ोतरी की बात की जा रही थी वो 65 से 70, 70 से 75 और 75 से 80 79 ईयर्स के बीच में जो 5-5% की पेंशन भोगियों की बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी की बात की जा रही थी उसकी अब जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर ये प्रस्ताव लागू हो जाता है तो हर साल आपकी पेंशन में बेसिक पेंशन में 0.5% की यानी 1.5% की सीधी सीधी बढ़ोतरी होगी, जिसका यानी कि 5 साल में आपको 7.5% तक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो ये एक अच्छा प्रपोजल गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है, गवर्नमेंट को दिया जा रहा है। आगे कि आपकी जो एग्जिस्टिंग और जो सुपर एनुएशन के कर्मचारी है यानी कि जो एग्जिस्टिंग और रिटायरमेंट के बीच में जो है उनके बीच एक असमानता कम हो सकती है, और पेंशन बढ़ाने की जो प्रक्रिया बहुत ज्यादा सरल हो सकती है, इसमें प्रशासनिक बोझ भी कम हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा प्रपोजल गवर्नमेंट को दिया जाएगा। अब आगे हो सकता हो दिया भी जा चुका हो। इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा यानी इसका आउटकम क्या होगा कि पेंशन भोगियों की बेसिक पेंशन में 1.5% तक की वार्षिक वृद्धि का यह प्रस्ताव न केवल ओआरओपी की भावना को बनाए रखेगा बल्कि उन्हें वित्तीय सुरक्षा यानी फाइनेंशियल जो सिक्योरिटी वो भी प्रदान करेगा।
सरकार को इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और पेंशन भोगियों को समान और जो लाभ प्रदान करने वाली दिशा में कदम उठाने चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा प्रपोजल है सभी पेंशनर्स के लिए। आप हम सबसे बड़ी बात कमेंट करके बताइएगा कि 1.5% का जो प्रपोजल है वो क्या गवर्नमेंट को दिया जाना चाहिए या इसमें और भी कुछ रिविजन या अपडेशन किए जाने चाहिए। अब बात करते हैं नॉर्मल पेंशनर्स की। तो नॉर्मल पेंशनर्स के लिए कि इसमें क्या हो सकता है या ये प्रपोजल है इसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ऐसे पेंशनर्स की जो 60 साल से 65 साल के बीच में है, यानी सबसे ज्यादा जो न्यूमरस संख्या है, यानी सबसे ज्यादा जो संख्या है पेंशनर्स की वो 60 से 70 ईयर्स के बीच में ही है। अब ऐसे पेंशनर्स ये चाहते हैं कि उनकी बेसिक पेंशन में भी ये बढ़ोतरी हो, क्योंकि बेसिक पेंशन में उनकी बढ़ोतरी नहीं होती है। बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी 80 ईयर्स की एज पूरी करने के बाद ही होती है, जो कि आप सभी को पता है। लेकिन 60 से 70 साल के बीच के जो पेंशनर्स है वो क्या करें, तो उनको ये करना चाहिए या उनको जो प्रपोजल गवर्नमेंट को भेजना चाहिए या रिक्वेस्ट करनी चाहिए पेंशनर्स और एसोसिएशंस को कि उनकी बेसिक पेंशन में 1.5 की जगह शुरू में जो है 1% की भी बढ़ोतरी की जा सकती है। जैसे 70 से सबसे बड़े एक प्रपोजल ये भी अच्छा रहेगा कि 60 से 70 ईयर्स के बीच में 1% की वृद्धि, और जैसे 79 ईयर्स के बीच में जाते हैं तो 1.5% की वृद्धि एक अच्छी वृद्धि मानी जाएगी। साथ ही साथ 79 के बाद आपको पता है 80 ईयर्स की एज पूरी जैसे ही होगी तो 20% की आपको वहां पर सीधी सीधी आपकी बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी। और जब आप 100 ईयर की एज पूरी कर लेते हैं तो आपको पूरी वेतन आपको पूरी पेंशन दे दी जाएगी। हालांकि बात कर रहे हैं 60 ईयर से 70 ईयर्स के बीच में, तो 60 ईयर से 70 ईयर्स के बीच में जो पेंशन है वो सबसे बेस्ट है कि एक साल की 1% की बेसिक में बढ़ोतरी की जाए। अगर ऐसा भी होता है तो 60 ईयर से 70 ईयर्स के बीच का जो ब्लॉक है, 10 साल का ब्लॉक है, उसमें 10% बेसिक में बढ़ोतरी हो जाएगी और ये बढ़ोतरी काफी अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि इसके बाद में जैसे ही आपकी बेसिक में अगर 1% की भी बढ़ोतरी होती है 60 से 70 ईयर्स के बीच में, और फिर 70 से 80 ईयर्स के बीच में, या बोल सकते हैं 79 ईयर्स के बीच में, उसमें जो बढ़ोतरी होगी वो 1.5% की, यानी 1.5% की बढ़ोतरी होगी, तो ये काफी अच्छी बढ़ोतरी होगी। और इस बढ़ोतरी के बेसिस पे आपका DR भी बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपका DR नहीं बढ़ेगा, DR अगर बेसिक में बढ़ोतरी होती है तो DR में भी काफी हद तक फायदा मिलेगा, क्योंकि अभी आपकी जब बेसिक ही नहीं बढ़ती है तो DR जो है हर 6 मंथ में जो रिविजन होता है वही बढ़ोतरी मिलती है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज होते हैं उनकी बेसिक बढ़ोतरी होती है और उसी के बेसिस पर वहां पर जो है उनके DA भी बढ़ता जाता है, यानी महंगाई राहत, महंगाई जो अलाउंसेस है, महंगाई भत्ता है, वो भी बढ़ता जाता है। तो अगर आपकी बेसिक में इवन 1% की भी बढ़ोतरी की जाती है तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। उसके बेसिस पे आपका DR भी हर 6 महीने में जो रिवाइज होता है वो रिविजन के साथ साथ में आपकी बेसिक पेंशन हर साल में भी